हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। आज का जो वीडियो रहेगा अपना, ये अपना जो आज का पेपर हुआ था 8 जनवरी का पीएमपी पुलिस का, उसका एनालिसिस करेंगे अपन, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे एग्जाम में, जिसमें मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे, ताकि आपको आने वाले सभी एग्जाम्स की पैटर्न पता चल जाए कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहा है। और देखा जाए तो आपके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, आपने बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो फर्स्ट बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन आपको दिया था, आपको दिया हुआ था 3, 4, 10 सीरीज दी हुई है आपको, इसके आगे का नंबर बताना है कि इसके आगे का नंबर क्या है। ये आपको एक सीरीज दी हुई है, पूछा गया है कि इसके आगे का नंबर क्या रहेगा, ठीक है। तो ये अपना एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बनेगा आपका, 3 से कितना बन रहा है 4, यानी कि 3 में 1 का इंटू किया और प्लस 1 कर दिया तो कितना बन जाएगा अपना 4। यहाँ भी क्या करेंगे, 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 × 2 = 8 और प्लस 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 10। 10 में क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो अपना 33 बन जाएगा। 33 में इंटू 4 करोगे 4 का और प्लस 4 करोगे तो अपना अगला पैटर्न बन जाएगा, 33 × 4 कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 13, यानी कि 132 प्लस 4 कितना हो जाएगा 136। इसमें यहाँ भी क्या होगा, इंटू 5 प्लस 5 हो जाएगा, तो अगला क्या रहेगा अपना, इंटू 6 प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है। तो करेंगे इसका इंटू, तो 685 इंटू 6 प्लस 6 आपको करना है, तो 685 में जब 6 को जोड़ोगे तो 6 × 3 = 3, 6 × 48 = 51, 5 × 6 = 36 और 5 हो जाएगा अपना 41 + 6, तो आपका 4116 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये इसका आंसर रहेगा अपना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था आपसे, पैटर्न ये चल रहा है अपना, इंटू 3 + 1 × 4 + 2 ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहला नंबर का पहले से इंटू फिर प्लस 1, जितने का इंटू कर रहे हो उतना ही नंबर प्लस होगा अपना, अगर 2 का इंटू करो तो 2 प्लस, ऐसे 3 का इंटू 3 प्लस, 4 का इंटू 4 प्लस, 5 का इंटू 5 प्लस, ऐसे 6 का इंटू 6 प्लस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्यू एन आर पी टी एस डब्ल्यू डब्ल्यू ए बी, तो अगला टर्म क्या रहेगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है इसका, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे अपन, क्यों कितने नंबर पर आता है 17 पे, पहले पहले नंबर की नंबरिंग कर लो, तो क्यों 17 पे आता है, आर आता है अपना 18 पे, टी 20 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे और ए 1 पे। तो यहाँ हो रहा है 17 से 18 जा रहे हैं कि प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे 18 से 20 पे प्लस 2 हो रहा है, 20 से 23 पे प्लस 3 हो रहा है, 23 से 1 पे यानी कि प्लस 4 हो रहा है आपका, ठीक है। 23 से 1 पे जा रहा है यानी कि 23 से 3 = 26 प्लस 1 करेंगे तो 27 यानी कि प्लस 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, प्लस 5, तो 1 पे जब 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 पे क्या आता है अपना एफ, तो जो भी अपना आंसर होगा वो एफ से स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से आप लगा सकते हो। दूसरा नंबर देख लो, एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे और पी आता है 2 पे। 14 से 16 प्लस 2, 16 से 19 प्लस 3, 19 से 23 प्लस 4, अगला क्या हो जाएगा प्लस 5, यहाँ पे प्लस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में प्लस 5 करोगे तो 2 में प्लस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस 5 हो रहा है, 2 और 6 = 8, 8 पे क्या आता है अपना एच आ जाएगा, तो एफ एच इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 23 से प्लस 5 करेंगे तो 23 और 3 = 26, 26 और 2 यानी कि 28, 28 पे 2 आ जाएगा, बी आ जाएगा अपना, ठीक है। तो एफ एच हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है थर्ड वाला 121 दिया हुआ है, फिर 169 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 289, फिर दिया हुआ है आपको 361, उसके बाद दिया हुआ है 529 और अगला नंबर आपसे पूछा है, ठीक है। अगला नंबर पूछा है आपसे, अगला नंबर क्या होगा, तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या बन रहा है, 11 का स्क्वायर बन रहा है, ये आपका 13 का स्क्वायर बन रहा है, ये आपका 17 का स्क्वायर बन रहा है, ये आपका 19 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है। देखो आपका 11, 13, 17, 19 और 23, ये क्या है अपने, ये सब अपने प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अगली अभाज्य संख्या क्या रहेगी अपनी, अगली अभाज्य संख्या जो रहेगी वो 29 रहेगी, ठीक है। 29 का वर्ग निकालेंगे, यहाँ गलती से 25 का वर्ग मत करना, क्योंकि आपका यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, अभाज्य संख्या का बन रहा है, प्राइम नंबर का बन रहा है, ठीक है। 11, 13, 17, 19 और यहाँ पे 21 आ सकता था, पर 21 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो भाज्य संख्या है, उसने 23 दे दिया, तो यहाँ समझ जाओगे आप कि ये अपना अभाज्य संख्या का पैटर्न है, तो 23 के बाद क्या आ जाएगा अपना 29 आ जाएगा, और 29 का जो वर्ग होता है वो कितना हो जाएगा अपना 841 हो जाएगा, ठीक है। 841 रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चौथा देखो, चौथा क्या दिया हुआ है आपको, चौथा आपको बोला है कि सिलोजिज्म क्वेश्चन था, सिलोजिज्म में आपको बोला है कि सभी ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है, तो आपसे कुछ पूछेगा वो क्वेश्चन में, जैसे कि कुछ भी पूछ सकता है कि सभी सी बी है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और सभी ए सी है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी का जो रिलेशन है वो ना तो ए से रहेगा ना बी से रहेगा, तो सी का रिलेशन कभी ए और बी से आपको दे कुछ सम या ऑल की कंडीशन दे, यानी कि कुछ या फिर सभी की कंडीशन दे वो सी का ए और बी से, तो अपना क्वेश्चन सिलोजिज्म का जो रहेगा वो गलत हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक।
अगला दिया हुआ है आपको, अगले में क्या बोला है, एक सीरीज दे दिए, 2, 5, 7, 11, 13, और अगला नंबर पूछा है कि अगला नंबर क्या आएगा। तो ठीक है देखो इसमें क्या बन रहा है अपना, 2, 5, 7, 11, 13, देखने को लग रहा है आपको क्या बन रहा है, ये आपके प्राइम नंबर बन रहा है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। 2 भी अपना अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है, 7, 11, 13, तो अगला क्या आएगा, अगला 15 नहीं आएगा, अगला 17 आएगा, ठीक है, 15 अपना अभाज्य संख्या होती है तो 17 17 आएगा इसका आंसर, ठीक, अभाज्य संख्याओं का पैटर्न चल रहा है। अगला दिया हुआ है आपको 27, 125, 343, तो पूछा है कि अगला क्या होगा, तो ये भी देखते पता चल रहा है आपको क्या दिया हुआ है। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, 3 जो 343 है वो 7 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, अगला क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, 729 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है 7वां, आपको दिया हुआ 1, 8, 27, और पूछा अगला नंबर क्या होगा, तो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है वो, 1 का क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ 2 का क्यूब दिया हुआ है, यहाँ 3 का क्यूब दिया हुआ है, ये 4 का क्यूब यानी कि 64 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है, 1 से बनाया है उसने 5, 5 से बना है 21, 21 से बना है 85, 85 से बना है 341, तो अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको ये श्रृंखला से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, सीरीज से रिलेटेड, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा ये आज के पेपर में, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे देखो अंतर कितना का आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 21 और 5 में 16 का, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है अपना, 64 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 64, 256 का आ रहा है यहाँ पे, तो अगला आपका जो रहेगा वो किसका अंतर रहेगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का 16 बन रहा है, तो 4 का जब 4 में करेंगे इंटू, तो 16 16 का 4 में करेंगे तो 64, 64 का 4 में करेंगे 256, 256 का फिर 4 में इंटू करना पड़ेगा, 256 का 4 में इंटू कर लो, जो भी आंसर आएगा उसको 347 से जोड़ दो, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 5 20 तो 22 का 2 हासिल 2, 4 2 8 और 2 10, 1024 आया, 1024 को क्या करेंगे, 341 से जोड़ देंगे, तो अपना अगला आंसर आ जाएगा, 4 1 5, 4 2 6, 3, 1366। इसका एक पैटर्न और बन सकता है कि जब आप आप 4 का गुणा कर दो, प्लस 1 कर दो, क्या करेंगे, 1 में इंटू 4 प्लस 1, तो 4 एकम 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, फिर 5 चौक 20 प्लस 1, तो 20 और 21, 21 इंटू 4 84 प्लस 1 85, 85 इंटू 4 प्लस 1 करोगे 343, 343 इंटू 4 प्लस 1 करोगे तो आपका 1365 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो आप, दो पैटर्न बन जाएंगे इसके। 9वां आपको दिया हुआ है, आपको दिया है उसने AZ CX EV, अगला दिया हुआ है GT, तो पूछा है आपसे कि अगला नंबर क्या रहेगा, ठीक है, ये GT है अपना, देखो AZ ये दोनों अपोजिट है, यानी कि 1 नंबर, फिर 3 नंबर दिया, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ, तो अगला क्या आएगा, 9 9 पे क्या आता है अपना, आ जाता है, वैसे Z दिया हुआ है 26 पे, X दिया हुआ है 24 पे, V दिया हुआ है 22 पे, T दिया हुआ है 20 पे, यानी कि 26 24 20 22 20, और फिर क्या हो जाएगा, 18 18 पे क्या आता है अपना, आ रहा है, तो इंडियन रेलवे IR आ जाएगा। अपोजिट पूछा है, A का अपोजिट Z, C का अपोजिट X, CE का V, G का T, आई का हो जाएगा, बस आपको पैटर्न ध्यान रखना क्या चल रहा है, तो आपका ऑड नंबर चलेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 10वां दिया हुआ है आपको, इसमें आपको रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, रैंकिंग में आपको दे देगा वो कि मान लो लेफ्ट से किसी की रैंकिंग 12वीं है, और राइट से वो नंबर अपना 15वां है, और बीच में आपके टोटल 10 व्यक्ति और बैठे हुए हैं, तो टोटल नंबर बताओ कितने होंगे, तो 16वां नंबर यहाँ पे आ गया, 15वां नंबर यहाँ पे आ गया, बीच में 10 नंबर, 10 व्यक्ति बैठे, तो तीनों को जोड़ दो, 16 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 16 15 31 और 10 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा इसका आंसर, इस तरह से क्वेश्चन का आपसे पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो आगे क्या दिया हुआ है आपको, आगे आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, मैथ्स के पहले अपन थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे पास, वो ले लेते हैं पहले, क्या क्या दिए हुए हैं मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको, यहाँ पर दिया हुआ है 3 13 4, फिर दिया हुआ है 4 27 और 11, यहाँ दिया हुआ 6 31, पूछा है कि बीच का नंबर क्या रहेगा, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, यहाँ पे चेक करो पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ क्या किया अपन ने, ये जो 3 है, इस 3 का क्या कर रहे हैं अपन, 3 का स्क्वायर कर रहे हो, लास्ट का जो नंबर है 4 इसको जोड़ रहे हो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, वैसे अपना यहाँ आगे का नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 11 कर दो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 11, तो बीच का नंबर जाएगा 27, वैसे यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर प्लस 31, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 31 कितना हो जाएगा, ये 6 और 1 7, 3 और 3 6, तो कितना आ जाएगा अपना बीच का नंबर, 67 आ जाएगा, ठीक है, तरह से क्वेश्चन होगा अपना ये।
बिल्कुल सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया हुआ है आपको 129 से आपका बन रहा है 216। तो आपसे पूछा है कि 165 से क्या बनेगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो अंतर देख लो, इसका अंतर कितना आ रहा है। इसका अंतर आ रहा है 6 में से 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7। और यहाँ 20 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 8। 87 का अंतर आ, तो यहाँ भी आपका 87 का अंतर आना चाहिए, तो 87 जुड़ जाएगा इसमें। 7 और 5 12 गया तो हासिल 1, 16 और 24 एक 25, यानी कि 252 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कर सकते हो। और अगर इसके अलावा दूसरा पैटर्न देखना, दूसरा पैटर्न क्या हो जाएगा, तीनों नंबर को जोड़ दो, 9 2 11 और एक, यहाँ 12 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 2 8 और एक 9 आ जाएगा। तो यहाँ भी चेक करो, 6 5 11 और एक 12 आ रहा है और यहाँ पे ये भी 9 आ रहा है, तो ये अपना 12 9 12 9 का अंतर बन रहा है। ठीक है, सभी नंबर का सम आपका 12 आएगा, यहाँ पे यहाँ 9 आएगा, फिर यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, या फिर 87 87 का अंतर निकाल सकते हो। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो। अगला दिया हुआ है आपको 4 4 12 48 240 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है कि अगला नंबर क्या रहेगा इसका। तो देखो, 4 से कितना हो रहा है, 4 × 3 12 12 × 48, यानी कि पहले 3 का गुणा हो रहा है, 4 × 3 = 12, फिर 12 में 4 का गुणा हो रहा है, 12 × 48 = 48, में फिर क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे और यहाँ 6 का हो जाएगा, 24 से कितना हो जाएगा, 44, यानी कि 11440 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अगला देखो, अगला दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ, अगला नंबर पूछा है आपसे। तो बिल्कुल सिंपल है, 3 का क्यूब हो रहा है यहाँ पे, और ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ 4 का क्यूब हो जाएगा, 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है आपको 2 3 4 5 7, तो अगला नंबर क्या होगा, या फिर इससे पूछा है कि इसमें ऑड नंबर कौन सा, ये आपको सीरीज दी हुई है 2 3 5 4 5 7 की, आपसे पूछा है कि इसमें अगला अलग अलग नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है। ठीक है, सभी से अलग। देखो, 2 3 5 और 7 की बात करें, 2 3 5 और 7 की, तो 4 4 1 4 और 5 नंबर क्या है, अपने अभाज्य संख्या है, किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, और जो 4 है अपना, ये क्या संख्या है, ये भाज्य संख्या है, तो ये आपका 4 जो रहेगा ये अलग नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 4। ठीक, तो ये अपने रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए अपने। इसके अलावा आपका वेन डायग्राम से पूछा गया था, उसमें उसने बोला था कि एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, के साथ एक चतुर्भुज बना दिया उसने और एक गोला बना दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर ली, यहाँ पे उसने दे दिया कि इंस्टाग्राम है, ये आपका FB है और ये आपका व्हाट्सएप है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो FB इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तुम्हें चलाते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकता है वो, या फिर व्हाट्सएप चलाने वाले लोग कितने हैं, इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग कितने हैं, FB चलाने वाले लोग कितने हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ये अपना क्या है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं अपन मैथ्स की, तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछे थे इसने, तो मैथ्स के क्वेश्चन में आपका ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है उसने, 256 की जो पावर है वो 0.16 दी हुई है, और फिर दिया हुआ 256 की पावर 0.9, तो बोला है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। तो अपने को पता है कि 256 जो होता है ये किसका, इसको क्या करेंगे, सेम पावर में चेंज करेंगे, वैसे सेम पावर में दिया हुआ है, पर डायरेक्टली अगर इसको इंटू करो तो आपका पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा, तो हम इसको पहले छोटा करें, छोटा करेंगे, तो ये चेक करो किसकी पावर में जा रहा है, 256 जो है, अगर देखो यहाँ पे 16 का इंटू 4 में हो जाए तो कितना आ जाएगा, 64, वैसे ही 9 का इंटू 4 में हो जाए तो कितना हो जाएगा, 36, 36 और 64 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100, तो यहाँ पे आपका पावर एक बन सकती है, तो हम चेक करेंगे कि किसकी पावर अपनी 4 करने पे 256 मिलता है अपने को। ठीक है, तो अगर 4 की पावर 2 करे तो आपका 4 × 16, और 16 × 16 256 होता है, यानी कि 4 की पावर 4 आ जाएगी अपनी, सो 256 होता है ये, 4 की पावर 4 होता है, और ये 0.16 आपका दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे 256 4 की पावर 4 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक, अब 4 का पावर के पावर दी हुई, तो पावर इंटू हो जाएगी, यानी कि 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 × 16, तो 64 हो जाएगी, 0.64 इंटू, यहाँ भी आपका 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 × 9, तो 9 × 36 3.6 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपको 90 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका, 4 की पावर 90 में इंटू करेंगे 0.36 आएगा। अब 0.36 इंटू में क्या होता है, पावर अपनी जुड़ जाएगी, इनकी 4 की पावर 0.64 प्लस 0.36, तो 3664 कितना हो जाएगा, अपने 4 की पावर 1.00, तो 4 की पावर 1 बराबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है आपको, अगले में आपको बोला गया है एक दो पैरेलल लाइन दी हुई है आपको, और एक दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है यहाँ पे ऐसे, ये आपको दिया हुआ है एंगल फर्स्ट, ये दिया हुआ है एंगल सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एंगल वन और एंगल टू के बीच के जो डिफरेंस है कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपसे एंगल वन या एंगल टू के बारे में पूछा है उसने कि एंगल वन या एंगल टू क्या रहेगा। देखो, यहाँ से एंगल वन और टू की बात करें तो एंगल वन और एंगल टू को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा अपना, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि आपकी एक लाइन पर बना हुआ एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, और आपको अंतर दिया हुआ है उसने एंगल वन माइनस एंगल टू का कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। यहाँ से जब आप दोनों को ऐड कर दोगे
तो एंगल वन और एंगल टू के, एंगल वन और एंगल टू, एंगल वन और एंगल वन आपका जुड़ जाएगा 2 एंगल 1, और एंगल टू कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 18 और 3 21, 210 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल वन की बात करें तो एंगल वन आपका आ जाएगा 105, 105 डिग्री, और एंगल टू की बात करें तो 105 जब रखोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 75 डिग्री। तो जो भी आपका पूछा है वो अपन बता सकते हैं, एंगल वन और एंगल टू जो भी पूछा हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि एक आपका वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एक वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग आपको दिया हुआ है, और उसका विकर्ण आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है, ठीक है। विकर्ण कितना दिया हुआ है? 17 आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपसे उसकी उसका परिमाप भी आपको दिया हुआ है। परिमाप क्या दिया हुआ है उसने? परिमाप दिया हुआ है 46। तो आपसे पूछ सकता है वो लंबाई कितनी हो गई, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, या फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है ये ट्रिपलेट क्या होती है अपनी? ये अपना 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे वर्ग का। 17 जो होता है ये ट्रिपलेट होती है अपनी, किस किस 8, 15 और 17 की एक क्या होती है? ट्रिपलेट होती है, ठीक है। तो अगर 17 ये है तो ये अपना 15 वो मान लो, इसको मान लो 8, ये वर्ग नहीं है आपका, आयत दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 17 अगर ये हो जाएगी तो ये 15 आपका लंबाई मान लो और 8 को चौड़ाई मान लो, तो अपना क्या हो जाएगा? 8, 15, 17 की ट्रिपलेट हो जाएगी। इससे आपका अगर चाहो तो लंबाई आपकी 15 या 8 में से कुछ भी आ सकती है, चौड़ाई भी 15 8 में से कुछ भी आ सकती है। क्षेत्रफल निकालोगे तो 15 × 8 कितना हो जाएगा? 120 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आपको सोल्व करना था, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है आपको? अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, 144 पेन को बेचने पर 6 पेन के बराबर हानि होती है, 6 पेन के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, ठीक है। तो 144 पेन को बेचने पर कितने पेन के बराबर हानि हो रही है? 6 पेन के बराबर। मान लो एक पेन का मूल्य अपन 1 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। एक पेन का जो मूल्य है वो क्या मान लिया अपन ने? 1 रुपये मान लिया। तो 6 पेन का कितना हो जाएगा? 6 रुपये हो जाएगा, यानी कि 6 रुपये की उसकी हानि हो रही है। अब आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में क्या होगा? उसने 144 150 पेन बेचे होंगे तभी 144 पेन की उसको, 144 पेन का उसको लाभ हुआ होगा, और 6 पेन की क्या हो गई उसको? हानि। टोटल कितने हो जाएंगे? 150 पेन हो जाएंगे अपने, ठीक है। और प्रतिशत निकालना, 100 का गुणा कर लो, कर ले इसको सॉल्व। 1 0 से 1 0 5 से 3 बार कटेगा, 5 से 2 बार कटेगा, 6 12 / 3 हो जाएगा, 12 / 3 यानी कितना हो जाएगा? 4%। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या रहेगा? प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत पूछा है आपसे। तो प्रथम 5 सम संख्या कौन सी होती है अपनी? उसने ये नहीं बोला है कि पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या, आपको बोला है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताना है। तो इसमें 0 भी इंक्लूड होगा आपका, 0, 2, 4, 6 और 8, ये जो है आपकी प्रथम 5 संख्या है। अगर वो बोलता है क्वेश्चन में कि प्राकृतिक संख्या बताओ तो अपन 0 को नहीं लेते फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अभी कुछ भी नहीं बोला है तो आप 0 को भी लोगे, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे कितना जाएगा अपना? ऐसे देखा जाए डायरेक्टली इसका औसत जो रहता है, बीच का नंबर रहता है, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसको जोड़ के देख लो, 8 6 14 14 4 18 18 2 18 और 8 6 14 14 4 18 18 2 20 20 / 5 हो जाएगा। तो 20 / 5 यानी कि 4 इसका औसत हो जाएगा, तो बीच का नंबर रहेगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है आपको? अगला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन की जो स्पीड आपको दी हुई है क्वेश्चन में 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ट्रेन की स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो लेंथ दी हुई है आपको, लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है उसने? 480 मीटर दी हुई है। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है? 320 मीटर। तो आपसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको? हमने क्वेश्चन किए हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो अपने ट्रेन डिस्टेंस के। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है? 480। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है? 320। टाइम आपसे पूछा है और स्पीड कितनी दी हुई है उसमें? 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, कि आपका 5 / 18 से इंटू हो जाएगा, 18 से 5 बार कटेगा, 25 25 टी हो जाएगा ये। 25 टी बराबर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 80 20 100, 4 3 7 1 8, 800 हो जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 800 / 25 हो जाएगा। डिवाइड कर लो इसको 25 से, 25 टी आप जो 25 × 50 32 सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, 24 / 12 दिया हुआ है, और फिर आपको डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है? 4 × 3 इसकी वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? डिवाइड को इंटू में चेंज कर लेंगे, 24 इंटू इसको चेंज करेंगे तो 1 / 12 हो जाएगा, इसको करेंगे तो आपका 1 / 4 हो जाएगा, × 3।
लो इसको 12 से दो बार कटेगा, 2 से दो बार कट जाएगा, इनके 3/2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपका व्यापम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 40 तक की जो संख्याएं दी हुई है उसमें ऐसी कितनी संख्या है कि जिसमें इकाई का अंक 1 और 9 है। इसमें इकाई का जो अंक है यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए अपनी, 1 या 9 होनी चाहिए। ठीक है, 1 से 40 तक की संख्या में यूनिट डिजिट 1 या 9 कितनी संख्याओं की है उसका प्रतिशत आपसे पूछा है। ठीक है, तो 1 किस 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 में आता है, 1 तो 1 में आता है, 1 11 में आता है, 1 21 में आता है और 1 31 में आता है। 40 से कम पूछा है तो 40 के अंदर अंदर आ गया आपका 31। 4 संख्या तो 1 की हो गई जिसका इकाई अंक कितना है, 1 है। अब बात करते हैं 9 के, तो 9 में आपका 1 9 आ जाएगा, 1 19 आ जाएगा, 1 29 आ जाएगा और 1 39 आ जाएगा। कितना आ गया, ये भी टोटल 4 आ गया, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। यानी कि टोटल संख्या 8 है, कितने में से बताना, 40 में से बताना और प्रतिशत बताना है तो इंटू 100 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 20 से कटेगा 20 दून 40, 20 से 50 100, 2 से कटेगा 4, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर निकालो, इकाई के अंक की, इकाई का अंक 1 होना चाहिए तो 4 नंबर ही आ जाएंगे, इकाई का अंक 9 होना चाहिए, 4 नंबर ही आ जाएंगे। ठीक है, 4 और 4 कितना हो जाएंगे, 8, 8/40 इंटू 100 हो जाएगा अपना आंसर, 20%। ठीक, आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपको बोला गया है कि x^4 + 1/x^4 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 322 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है उसने कि x-1/x की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखो आपका 322 के आसपास किसका स्क्वायर बनता है अपना, 324 जो होता है वो आपका स्क्वायर होता है, यानी कि +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ +2 कर देंगे अपन, x^ दोनों तरफ क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, तो x^4 + 1/x^4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 322 + 2, तो कितना हो जाएगा ये, a² + b² + 2ab, यानी कि x² + 1/x² का फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ पे आपका 324 बन जाएगा। और 324 किसका स्क्वायर होता है अपना, 18 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपना, यहाँ बचेगा x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। अब यहाँ से ये आपको x-1/x, तो ये 18 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है, यानी कि -2 करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, -2 कर देंगे, x²-1/x-2 हो जाएगा और 18-2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा x-1/x² और ये बन जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x-1/x की वैल्यू कितनी जाएगी अपनी, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा अपना, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, दिया हुआ है 0.3434 ऐसे करके आगे आपका चल रहा है, तो पूछा है कि इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसको क्या करेंगे अपन, 0.34 के ऊपर क्या हो जाएगा अपना, 3434 जो है रिपीट हो रहा है बार बार, 3-4 के ऊपर क्या लग जाएगा अपना, बार लग जाएगा। अब बार को कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर के नंबर 3-4 वैसे के वैसे, और जितने नंबर के ऊपर बार लगा होते हैं अपन 9 लिख देते नीचे, तो ये आपका 34/99 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 11,000 दिया हुआ है प्रिंसिपल। ठीक है, आपको रेट दी हुई है 12.5% की, और टाइम कितना दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है इसने 2 ईयर का। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर रहेगा वो कितना आपसे कितना मिलेगा। ठीक है, ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे रेट कितनी हुई है, 12.5% की रेट जो होती है वो कितनी होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/8 होती है, यानी कि आपका 8 जो है वो प्रिंसिपल है और 1 क्या है अपना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 1 साल का अपना हम ऐसी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे अगर आप 1/8 को लेकर सॉल्व करोगे तो अपना 11,000 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो निकालेंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1/8 से आपका सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, यानी 8 को अगर प्रिंसिपल माने और 1 का ब्याज लें अपन, तो आपका जो टोटल अपन मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, अपन मान लें कि 8 का जो मल्टीपल है उसको मान लेंगे, यानी कि 64 अपन इसको इसका प्रिंसिपल मान रहे हैं। ठीक है, 64 को क्या मान रहे हैं अपन, प्रिंसिपल, ताकि आपका 1/8 से डिवाइड हो जाए, तो 64 अगर प्रिंसिपल है तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा अपना और सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए अगर लगाएंगे अपन तो 64 का कितना निकलेगा, 1/8 निकलेगा, यानी कि कितना आएगा, 8, पहले साल का भी 8, दूसरे साल का भी 8, और दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा अपना, दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा इस 8 का भी 1/8 निकलेगा। ठीक है, 8 का भी क्या निकलेगा अपना, 1/8 निकालना पड़ेगा, कितना आएगा अपना, 1 आएगा। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट तो आपका ये हो गया 8 और 8 16, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 8 और 8 16 और 1 17 हो जाएगा, या तो सिंपल इंटरेस्ट 16 है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है अपना, 17 है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना, यहाँ से 17-16 यानी कि कितना आया, ये 1 आया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया अपना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया अपना, 1 आया। पर यहाँ पे देखो आपको ये जो सिंपल प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ 64, 64 की वैल्यू अपन ने को कितने दी हुई क्वेश्चन में, 11,000, 64 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 11,000 के बराबर हो जाएगी,
और यहाँ से आपको निकालनी है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 11,000 बटा 64 करोगे तो आपका 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा आंसर। चेक कर लेते हैं इसको, 64 110 × 100 लिख देंगे इसको, बटा 64 लिख दो, ठीक। 4 से कट करेंगे, 4 से 16 बार कट जाएगा, 4 से कटेगा 25 बार। अभी 110 जो है ये 2 से कट जाएगा 55 बार, और ये कट जाएगा 2 से 8 बार, 55 × 25 / 8। इसको जब सोलो करेगा तो अपना आंसर आ जाएगा, पॉइंट पर जो आंसर रहेगा वो भी 25 × 125 / 5, 25 × 125 / 12 = 33/8। 8 से करेंगे तो 8 × 1 = 8, कितना बचेगा 5 बचेगा 57, 8 × 7 = 56, तो 56, अब कितना बचेगा 1 15, तो 8 × 16 172 के आसपास इसका आंसर रहेगा, 171 पॉइंट कुछ इसका आंसर बनेगा अपना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, अगले में आपको दिया हुआ है कि अगर ए और बी जो है दोनों मिलकर 21 दिन में काम को कर लेते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 23 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और सी और ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर ले, 27 दिन में कर लेते हैं, तो आपको पूछा है कि ए बी सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, तो क्या करेंगे तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 21, 27 और 23 का एलसीएम, तीनों अलग अलग नंबर है अपने, यानी कि 23 तो अपना आएगा ही सही, इसके साथ में अगर आप 3 को लेते हो तो 3 के साथ 7 को लेंगे तो 21 बन जाएगा, और 3 के साथ अगर 9 को लेंगे यानी कि 3 × 3 को लेंगे अपन, तो अपना क्या बनेगा 27 बनेगा, ठीक है। तो आपका 27 आएगा और साथ में क्या जाएगा 7 और आ जाएगा, तो ये अपना रहेगा इसका एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा, ये टोटल वर्क आपका मिल चुका है, ठीक है। अब आप 21 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 21 से करेंगे 7 से 21, यानी कि 9 × 23 आपका है, यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 9 × 23, यहाँ पे बी की बात करें तो 23 आपका हट जाएगा, यानी कि ये बचेगा ये 9 × 27, 27 × 7 बचेगा अपना। अगला बात करें 27 का, तो 27 कट जाएगा अपना, 9 × 27 कट जाएगा, 23 × 7 बच जाएगा ये, तो ये आपका ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आप जब ए बी बी सी सी ए को जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2a + b + c की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आएगी तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 × 23 + 27 × 7 + 23 × 7, इस तरह से आएगा ये, और इसका डिवाइड कर लेंगे 2 में, यानी कि 9 × 23 + 27 × 7 + 23 × 7 / 2। ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है। इसने इस बार इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है टाइम एंड वर्क में कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसका इंटू करना पड़ेगा तीनों का, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ए बी सी की वैल्यू आएगी, और ए बी सी की वैल्यू को जब आप इस टोटल वर्क से डिवाइड करोगे तो अपना आंसर आएगा ए बी सी का, ठीक है। टोटल वर्क कितना दिया हुआ है 9 × 23 × 3 × 7, ये दिया हुआ है टोटल वर्क अपना ये वाला, ठीक है। अब इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है, तो ए बी सी की वैल्यू ये 2 अपने डिवाइड कर दिया तो 2 आपका यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालोगे तो 9 × 23 में करेंगे तो 9 × 27 = 2, तो 9 × 18 = 20, 2 × 7 तो ये आ जाएगा 7 × 49 = 4, 7 × 14 = 18, 190 आ जाएगा, 7 × 21 = 2, 7 × 14 = 2 बोला 161 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 9 और 7 = 16, 16 और 1 = 17 हो जाएगा, 6 और 1 = 7, 7 और 8 = 15, 15 × 5 = फिर से 1 हो जाएगा, 2 और 2 = 4 और 1 = 5, 557 / 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 557 / 2 जो रहेगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो अपना किससे कट रहा है, ये 7 से कट रहेगा, 7 × 49 7 से नहीं कटेगा, ये अपना 9 से कट जाएगा, सॉरी शायद इंटू मिस्टेक हो गई अपने से, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करोगे ना तो अपना आंसर कुछ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस आपको क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो अपना आंसर बन जाएगा, यहाँ से अगर अपन 23 से भी कट करें तो 23 × 46 कितना बचेगा 11 और 117 बन जाएगा, तो 23 से आपका आप कर लेना इसको ट्राई, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है इस बार इसने टाइम एंड वर्क का, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है आपसे कैलकुलेशन वाला, तो ये आपका टाइम ले सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिया हुआ है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 15 वस्तुओं का सीपी वो आपका 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है। 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक। तो आपसे पूछा है 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है 20 वस्तुओं के एसपी के, तो आपसे पूछा है लाभ या हानि क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पे सीपी बटा एसपी की वैल्यू निकाल लेंगे, सीपी आप ऊपर दिया हुआ 20 और 15 आपका इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 15, तो कट करेंगे तो 5 × 20 और 5 × 15, यानी कि सीपी कितना आएगा 4 और एसपी कितना आएगा 3, यानी कि क्रय मूल्य जो रहेगा वो कितना आएगा 4 और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 3। अब क्रय मूल्य 4 दिया हुआ, विक्रय मूल्य 3 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा उसको, तो हानि हो जाएगी, कितने की हानि हो जाएगी
चार की वस्तु खरीदी और तीनों बेच दी तो 1 रुपये की हानि हो जाएगी, किसको जाएगी, क्रय मूल्य पर, कि 4 पे इंटू 100, तो कितना जाएगा 25% की उसको क्या रहेगी, हानि रहेगी। ठीक है, आंसर रहेगा 25% हानि। अगला दिया हुआ है कि कोई जो गर्ल है आपकी, एक गर्ल दी हुई है, वो गर्ल किसी वर्क को कितने दिन में कर लेती है, 24 दिन में कंप्लीट कर लेती है, और गर्ल और बॉय दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है कि गर्ल ने अगर 12 दिन तक काम किया, गर्ल ने कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया, तो बॉय बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, गर्ल अगर 12 दिन तक काम करती है तो बाकी बचा काम बॉयज़ कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा अपना, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 24 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 24 48 120 आएगा। ठीक है, तो 24 शायद क्वेश्चन में गलती है, ठीक है करते हैं इसको, 24 से आपका 5 बार जाएगा यहाँ पर, ये यह आपका जाएगा 6 बार, यानी कि जो गर्ल है वो एक दिन में 5 काम करेगी, और गर्ल प्लस बॉय तो मिलकर कितना करेंगे, 6 काम करेंगे। थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, डाटा थोड़ा गलत है आपका, 24 20 नहीं आएगा इसका। बाकी अगर ऐसा ही डाटा आपको दिया होता, क्योंकि यहाँ पे गर्ल अगर 24 काम करे तो बॉयज़ आपका ज़्यादा जल्दी काम कर लेंगे, ये शायद 24 और 20 नहीं होगा यहाँ पे, पर इसी डाटा को लेकर सॉल्व करते तो अपना आंसर इस तरह से होगा, इनका एलसीएम 120 आ जाएगा, 24 से करेंगे 5 आ जाएगा, 20 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगर गर्ल एक दिन में 5 काम करते हो, गर्ल और बॉयज़ मिलकर एक दिन में 6 काम करते हो, तो अगर बॉयज़ का निकाला यहाँ से, ओनली गर्ल जो है आपका वो कितना काम कर रही है, एक दिन में 5 काम कर रही है, और बॉय गर्ल प्लस बॉय की बात करें अपन, दोनों में कितना काम कर रहे हैं, 6, तो अगर यहाँ से बॉयज़ का निकाले तो वो कितना करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब गर्ल ने क्या किया, गर्ल ने आपका कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना कर रही है वो, 5 कर रही है, एक दिन में 5 करेगी तो 12 दिन में कितना करेगी, 12 दिन में 60 करेगी वो। ठीक है, एक दिन में अगर 5 काम करेगी तो 12 दिन में कितना करेगी, 60 काम करेगी, तो 60 काम उसने कर दिया 120 में, तो बचा कितने का, बचेगा कितना, बचेगा 60 बचेगा, और अब बाकी बचा काम कौन करेगा, बाकी बचा काम बॉय करेगा। ठीक है, बाकी बचा काम कौन करेगा, बॉय करेगा, तो बॉय आपका एक दिन में 1 काम करता है, 60 दिन, 60 काम कितने दिन करेगा, 60 दिन लग जाएंगे उसको। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है क्वेश्चन को आपको। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसने, आपको दिया हुआ है उसने एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1=0 दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया हुआ है आपको, इस डाटा में अपन x और 1/x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप x का डिवाइड कर दोगे तो यहाँ x² / x हो जाएगा, -4x / x हो जाएगा, +1/x हो जाएगा, =0। तो यहाँ से आपका x से x कट जाएगा तो बचेगा x, यहाँ बचेगा -4 और यहाँ बचेगा 1/x =0। तो यहाँ से अपन निकालेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गई है, यानी कि चाहिए आपको x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू आपको पूछा है उसने। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले पहले आप क्यूब निकाल लो फिर स्क्वायर निकाल लेंगे, ऐसा कर लेंगे अपन। ठीक है, पहले क्यूब कर लेंगे सॉल्व, फिर स्क्वायर कर लेंगे। तो x प्लस 1/x से जब आप x³ + 1/x³ निकालोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है अपना, यानी कि x प्लस 1/x आपको अगर डी दिया हुआ है, ठीक, तो x पी दिया हुआ है मान लो, तो x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, x³ + 1/x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p³ - 3p, ये फॉर्मूला होता है अपना। यहाँ भी देखो आपको 4 दिया हुआ है, तो इनके 4³ हो जाएगा -3×4 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे 4³ कितना हो जाएगा, 64 - 12, तो ये हो जाएगा आपका 52। तो आपका x³ - x³ + 1/x³ तो आपका ये निकल चुका है। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर लेते हैं, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जब भी x + 1/x दिया हुआ है, यहाँ से आप x² + 1/x² निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा p² - 2 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप x + 1/x = p दिया हुआ है, उससे आप क्या निकाल रहे हो, x² + 1/x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, p² - 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी क्या करेंगे, 52 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो x³ - 1/x³ का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इनकी वर्ग आपका 2 पावर और जुड़ जाएगी, तो x³ - 1/x² निकलेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 52 का स्क्वायर - 2। तो 52 का स्क्वायर निकाल लो, 52 का 52 में करेंगे तो 2 × 4 10, 10, 20, 2, 5×5 = 27, 2704 हो जाएगा, 2704 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2705। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, 2704 - 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2702 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने को। अगला देखो, अगला क्या दिया आपको, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 1000 रुपये का
5% सॉरी 50%, 1000 रुपये का 50% का 80% क्या होगा ये आपसे पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो 1000 रुपये का 50%, 50% क्या होता है अपना 50/100 यानी कि 1/2 होता है अपना, ठीक है। डायरेक्टली याद करना है 50% बराबर 1/2, और का मतलब इंटू हो जाएगा, 80% यानी कि 80/100 या आपका 4/5 होता है। तो कट करेंगे इसको 2 0 से, 4 0 से अपने 4 0 कैंसिल कर लिया अपन ने, 8 5 40, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपना सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो भी बचा, 4 0 से 4 0 कैंसिल, तो 400 हो जाएगा, ठीक है। 80 दिया हुआ, 80 × 4 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक वर्ग का विकर्ण आपको 16 दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा है आपसे, ठीक है। वर्ग का जो है वो विकर्ण आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि जो विकर्ण है वो 16 दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है अपना, वर्ग का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो, अगर मान लो वर्ग की भुजा आपको ए और ए दी हुई है, तो जो विकर्ण हो जाएगा वो विकर्ण क्या रहेगा इसका, a√2 हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको कर लेंगे अपन, विकर्ण जो रहता है अपना क्या हो जाता है a√2। तो a√2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 16 दी हुई है, यहाँ से अपन a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका a इक्वल्स कितना हो जाएगा, 16/√2, रूट दो से इंटू कर लेंगे, तो ये आपका तो 16√2/2, √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से कट करेंगे, 8√2 हो जाएगी। ए की वैल्यू 8√2 आ गई है, आपको निकालना है क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 8√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, √2 का स्क्वायर 2, 64 दूना कितना हो जाएगा 128, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आज पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह के अपने क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली और भी जो एग्जाम्स है उनका एनालिसिस हम करवा पाए, आप वो वीडियो देख पाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ करेंगे, उससे क्वेश्चन आपका जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाएंगे, तो आपकी नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और बाकी को काफ़ी सारे वीडियो अपने बनाए हुए हैं मैथ्स के और रीजनिंग के, और अपने मैथ्स रीजनिंग के और भी लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा एसएससी सीजीएल जो है उसके भी प्रीवियस पेपर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन कुछ ही देर टाइम में, और एसएससी के लिए भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो बने रहिए चैनल के साथ में, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, थैंक यू गाइज़।